नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक हमारी है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के अंदर आपको टू एरेस देगा क्वेश्चन में एग्जामिनर, दोनों एरेस को आपको वो सॉर्ट करके खुद ही देगा। अगर वो एरे सॉर्ट ना दिए हों तो आप खुद से सॉर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एरे हमें देगा, वो उसके बाद दूसरा एरे देगा, टू एरेस देगा हमें, उन दोनों को आपने मर्ज करके एक थर्ड एरे बनाना है जिसमें दोनों को मर्ज करके आपने सॉर्ट करने हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके आपने सॉर्टिंग करनी है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों एरेज हमेशा सॉर्ट किए हुए देगा वो। अगर वो आपको सॉर्ट किए हुए एरेज नहीं देता तो आपने उसको खुद से सॉर्ट कर लेना है, किसी टेक्निक को यूज़ नहीं करना, खुद ही आपने देखकर आपने इसको सॉर्ट कर लेना है कि फर्स्ट 22 आता है, देन 44, 55 और 78 और 88, इस तरह आपने खुद से सॉर्ट कर लेना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। देन उसके बाद आपने एक एक्सटर्नल यानी कि एडिशनल एक एरे ले लेना है, खाली एरे, उस एरे के अंदर आपने क्या करते जाना है, इन दोनों को मर्ज करके सॉर्ट कर जो एलिमेंट होंगे सॉर्टेड उनको डालना है आपने खाली एरे में। तो फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट एरे के एलिमेंट को पहले एलिमेंट को दूसरे एरे के पहले एलिमेंट से कंपेयर करें, अगर आने वाला एलिमेंट जो कि 33 है वो उससे स्मॉल होगा तो हम उसको क्या करेंगे, एडिशनल एरे जो होगा हमारा यानी कि जो एम्प्टी एरे होगा खाली उसमें डालेंगे आने वाला एलिमेंट अगर उससे स्मॉल होगा, अदरवाइज जो एलिमेंट होगा उसी को डाल देंगे। दोनों में से स्मॉल एलिमेंट जो है वो 22 है, इसलिए 22 को हमने एडिशनल एरे में डाल दिया। अगेन यही एरे दोबारा से आपने लिखना है, इस टाइम आपने ये करना है कि सेकेंड एलिमेंट को क्योंकि ये जो 22 है ये फर्स्ट एलिमेंट था इसका तो ये सॉर्ट हो चुका था इसलिए हमने 22 को स्किप कर दिया, जो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, ना उसकी पोजीशन को ना उस एलिमेंट को। तो 22 चूँकि सॉर्ट होकर इसमें आ गया था एरे में तो इसलिए हमने 22 को नहीं किया चेक। देन उसके बाद आपने ये करना है कि सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको अगेन सेकंड एरे की फर्स्ट पोजीशन से करना है क्योंकि ये 33 भी सॉर्ट नहीं हुआ था। तो 44 को 33 के साथ अगर आप कंपेयर करें तो 33 स्मॉल होता है तो इसलिए 33 जो होगा वो एडिशनल एरे में आ जाएगा और 44 रिमेन सेम रहेगा। तो उसके बाद आपने ये करना है कि इस एरे का 33 सॉर्ट हो चुका है तो इसको आपने स्किप कर देना है, अब आपने स्टार्ट करना है 66 के साथ, लेकिन 44 सॉर्ट नहीं हुआ था इसलिए आपने 44 को डार्क करना है, इसको आपने ये करना है कि इसको डार्क कर देना है इसे सर्कल से या किसी चीज़ से। तो 44 जो होगा आपका ये सॉर्ट नहीं हुआ था तो इसलिए 44 को आपने अगेन पिक करना है, चूज़ करना है और 44 को सेकेंड एरे के नेक्स्ट एलिमेंट से आपने कंपेयर करना है 66 के साथ। तो आप इसमें से देखें जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसको आप एडिशनल एरे में डाल दें, 44 स्मॉल है तो ये यहाँ आ जाएगा, देन 44 को स्किप कर देंगे लेकिन उसको वैसे ही रहने देंगे। देन उसके बाद आपने 44 को स्किप किया, यहाँ देख सकते हैं, और 55 चूज़ किया और वो एलिमेंट चूँकि सॉर्ट नहीं हुआ था इसलिए वो आप उसकी पोजिशन को पकड़े रहेंगे, फिक्स उसको रोके रहेंगे। तो 55 को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है 66 के साथ, इन दोनों में से जो स्मॉल होगा वो आप एडिशनल एरे में डालेंगे यहाँ। देन उसके बाद आपने ये करना है कि 55 स्मॉल था तो इसलिए 55 को हमने स्किप कर दिया इस एरे में डाल के, देन 78 नेक्स्ट एलिमेंट है इसका, इसको कंपेयर करेंगे 66 के साथ, 66 इससे स्मॉल है 77 से तो इसलिए 66 आएगा इस एरे में। देन उसके बाद देन उसके बाद आपने ये करना है कि 78 जो था उसको कंपेयर करना है आपने, 77 को आपने कंपेयर करना है 66 के साथ, अगर 77 जो होगा इससे स्मॉल होगा तो इधर इनमें से जो भी स्मॉल एलिमेंट होगा वो एरे में आएगा एडिशनल एरे में, तो 66 स्मॉल है इसलिए यहाँ पर आ गया। देन 77 को आपने कंपेयर करना है इसके साथ, जो एलिमेंट एरे का जो भी सॉर्ट होता जाएगा उसको स्किप करते जाना है चाहे वो इस एरे से हो चाहे वो इस एरे से हो। तो 77 को 70 से कंपेयर किया तो 70 स्मॉल है इसलिए 70 यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद आपने ये करना है कि ये एरे तो हमारा एडिशनल एरे में आ गया तो फिर इसके और एलिमेंट्स नहीं है, तो उसके बाद इस एरे का इस एरे के दो एलिमेंट्स रहते थे ये और ये, तो आपने इनको एज इट इज क्या कर देना है, लिख देना है पहले 77 को
उसके बाद 77 को लिख देने के बाद आपने 88 को लिख देना है। तो उसके बाद आपका एरे जो होगा वो सॉर्ट हो जाएगा।